वेलकम टू GIC टेक्निकल वाराणसी। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, क्लासेस के लिए SSC, JEE, ESC, GATE के लिए। हमारे यहाँ सारे क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस तो ऑलरेडी चलती है, ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोगों को कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा नीचे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। देखते हैं थोड़ा सा आगे RCC की क्लास में, आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देखते हैं, WSM में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, उस चीज़ को देख लेंगे। चलिए सबसे पहला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की बात कर रहा हूँ। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको MR से रिप्रेजेंट करते हैं, MR से रिप्रेजेंट करूंगा, और क्या है कि जैसे टेंशन साइड से निकालूंगा तो उसको MRT से रिप्रेजेंट करूंगा, कंप्रेशन साइड से निकालूंगा तो MRC से रिप्रेजेंट करूंगा, उसको देख लेंगे कैसे कैसे करते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात आई है, प्रतिरोध आघूर्ण की बात आई है, तो होती क्या है उसकी भी समझ जरा जान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कुछ नहीं है, बेंडिंग मोमेंट ही है एक तरीके से बोला जाए तो। बस ये है कि एक्सटर्नल लोड की वजह से, एक्सटर्नल यानी बाहर से जो भार लग रहा है उसकी वजह से अगर बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है स्ट्रक्चर पे, तो उस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए एक इंटरनली मोमेंट जनरेट होता है। उस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो, एक इंटरनल मोमेंट जनरेट होता है जिसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बेंडिंग मोमेंट ही है एक तरीके से, इंटरनली बस है, बस क्या है इंटरनली है। हम बेंडिंग मोमेंट जो है हमारा क्या है, एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है बेंडिंग मोमेंट हुआ, और उस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए इंटरनली एक रजिस्टेंस जनरेट हुआ उसे बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए ये हो गया MR। बात करते हैं कि जैसे हमारा बीम सेक्शन है, सिंगली रेनफोर्स बीम की बात करूंगा, ऐसी सिमिलरली हमारा डबली रेनफोर्स बीम के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स बीम की बात कर लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें डिराइव कैसे करेंगे उसके विषय में जान लेंगे सारा चीज़ें। तो चलिए ये हो गया हमारा बीम, कोई सेक्शन हो गया उसका, ये हो गया बी, हो गया आपका विड्थ, और यहाँ पे AST हुआ, एरिया ऑफ स्टील हुआ, इसको बोलते हैं MAST, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस। क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस उदासीन अक्ष, और बार के सेंटर से टॉप फाइबर ऑफ द बीम, टॉप फाइबर ऑफ द सेक्शन, या टॉप फाइबर ऑफ द बीम, बीम की बात करो तो बीम का नाम लूँगा, टॉप फाइबर ऑफ द बीम जो डिस्टेंस होगा उसको बोलूँगा इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर है, और ओवरऑल डेप्थ जो होगा उसको ग्रास डेप्थ बोलते हैं, उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, इफेक्टिव कवर। ये चीज़ हमने आपको पहले लेक्चर में ही बता चुके हुए हैं कि क्या है, ये इफेक्टिव कवर है। यानी ग्रास डेप्थ अगर निकालने की बात करूँ, जो ग्रास डेप्थ होगा अगर उसको निकालने की बात करूँ तो क्या बोल सकते हैं हम, जो कैपिटल डी होगा वो हो जाएगा कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर। क्लियर है, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक्सटर्नल लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, उस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्टेंस करने के लिए जो बॉडी होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, एक इंटरनली मोमेंट रजिस्ट करे, एक इंटरनली मोमेंट जनरेट करेगा, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रेस डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया, इसे डॉट 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 कर देते हैं, और यहाँ एरो बना देते हैं, इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, σST लिखते हैं। कैपिटल टी क्या, हमारा टेंशन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, σST जो है स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, और ऊपर हो जाएगा σCBC, और इस डिस्टेंस को जो न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, किससे, एक्स से। क्लियर है, अब आगे देखते हैं क्या करना, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस।
तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, कोई फोर्स चाहिए, क्योंकि मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दूँ या फिर लीवर आर्म बोल दूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म हो जाएगा। तो लीवर आर्म हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे कैसे उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, आगे उसके विषय में डिस्कस कर लेंगे। देखिए बेटा क्या है कि ये कोई मेम्बर है, ठीक, और इसका शेप कैसा है, ट्रायंगल शेप में है। स्ट्रेस डायग्राम जो बना है ट्रायंगल शेप में है, किसके लिए, कंक्रीट के लिए, यानी क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन साइड में या कंप्रेशन जोन में जो है डायग्राम जो है ऐसे बन रहा है ट्रायंगल शेप में। टेंशन जोन में क्यों इसको डॉट डॉट किया हूँ, इसलिए किया हूँ कि बार जो हमारा इस मार्कर की तरह ही है और इसके सेंटर से डिस्टेंस लूँगा और टेंशन फोर्स यहीं से लग रहा है, वहाँ पर डायग्राम उतना क्लियर भी खैर बनता तो वहाँ भी है लेकिन इतना क्लियर विजुअल नहीं होता, दैट्स वाई उस चीज़ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक लाइन दिखा के एरो दिखा सकते हैं कि इधर से टेंशन फोर्स लग रहा है। ये अगर ऐसे कर दिया, इसे टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, टेंशन फोर्स, टी क्या है हमारा, टेंशन फोर्स, क्लियर बेटा, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन फोर्स, ठीक। और एक यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स काम करेगा जिसको सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, किस से रिप्रेजेंट करता हूँ, सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और वो कैसा कंप्रेशन फोर्स है, एवरेज कंप्रेशन फोर्स, एवरेज कंप्रेशन फोर्स, और वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ द कंप्रेशन जोन, जो कंप्रेशन जोन होगा उसके सेंटर पर एक्ट करेगा, यानी कि अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दूँ तो यहीं की लाइन पर वो एक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो आगे बात कर लेते हैं, तो जो C है, अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, यानी MRC, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड तो MRC बोलूँगा मैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड तो बोलूँगा MRT, क्लियर है। तो MRC इक्वल टू होगा C इंटू लीवर आर्म। अब बेटा लीवर आर्म LA मतलब लीवर आर्म, अब लीवर आर्म क्या हुआ, उत्तोलक भुजा, वो होगा जहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा है वहाँ से जहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा है वहाँ तक के बीच की दूरी, वो हो जाएगा हमारा लीवर आर्म, यानी कि वी कैन से दैट द डिस्टेंस फ्रॉम टेंशन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टेंशन फोर्स एंड कंप्रेशन फोर्स इज नोन एज लीवर आर्म। अब देखिए ये तो पता हो गया, लेकिन ये ऊपर वाला जिसको Y1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो Y1 कितना होगा, देखिए पहले ही बोल दिया था CG पे लग रहा है, CG पे लग रहा है, क्लियर है, यानी कि यहाँ जो ये चीज़ है ये भी क्या है, ट्रायंगल का CG है। तो कोई ट्रायंगल होता है, कोई ट्रायंगल होता है बेटा, तो ये ट्रायंगल हुआ, अगर इसकी हाइट H बोलता हूँ तो इसके CG, ये डॉट जो लगाया मैं वो CG हो गया, तो वहाँ से उसके टॉप फाइबर तक की डिस्टेंस अगर निकाले चाहें तो कितना होता है, अगर इसकी बात करें ये कितना होएगा, तो ये बेटा होता है h/3 और नीचे वाला कितना होता है, वो होता है 2h/3, 1 में से माइनस कर देंगे h/3 तो 2h/3 आ जाएगा, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से ये x की जगह पे क्या है, सॉरी h की जगह पे क्या है, x है, तो इसको x लिखता हूँ। देखिए ये शेप ऐसा ही हो रहा है ना, इसी को बस क्या किया मैंने अलग से बना दिया ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ट्रायंगल का होता है आपको निकालने आता है, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आता है, होगा आपको आता है, और h/3 हो जाएगा, तो ये y1 इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा x/3, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो अब लीवर आर्म निकालेंगे, ये लीवर आर्म देखिए टेंशन जोन के लिए भी कंप्रेशन जोन के लिए इक्वल हो जाएगा। तो देखिए पहली बात करते हैं कंप्रेशन फोर्स निकालने की बात करते हैं, सी क्या है हमारा, सी हमारा है कंप्रेसिव फोर्स, कौन सा कंप्रेसिव फोर्स, एवरेज कंप्रेसिव फोर्स बोल दूँ या फिर ये बोल दूँ टोटल कंप्रेसिव फोर्स, यानी टोटल संपीड़न सामर्थ्य, या फिर बोल दे औसतन हमारा संपीड़न सामर्थ्य, तो सी इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे C कितना है, मैक्सिमम है कितना है, σCBC, ठीक, कितना है σCBC। अब उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आ रहा हूँ, हमारा C का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है, यहाँ आते आते कितना हो गया, 0 हो गया,
तो मैंने क्या बोला, एवरेज निकालेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फोर्स C क्या है, कंप्रेशन फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, होता है कि नहीं होता बेटा, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, अच्छे से जानते हैं हम। तो यहाँ पर भी एक C क्या है हमारा, कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है, तो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्लियर है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू कंप्रेशन जोन का जो एरिया होगा वो। तो देखिए सी, देखिए यहाँ पर क्या है, सिग्मा सी बी सी से जीरो तक सी निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा, तो अगर दो वैल्यू होती है, हम एवरेज निकालने के लिए कहते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके दो नंबर ऑफ टर्म्स जितने होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे यही होगा, सिग्मा सी बी सी प्लस जीरो बाई टू, क्या होगा, सिग्मा सी बी सी प्लस जीरो बाई टू, ये क्या निकला, स्ट्रेस बेटा, ये निकल गया हमारा स्ट्रेस, अब मल्टीप्लाई किससे करना है, एरिया से। अब इस एरिया निकालेंगे तो देखिए ये एरिया है ना, रेक्टेंगल शेप बन रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल शेप बन रहा है, रेक्टेंगल शेप बन रहा है ना, तो इसका एरिया निकालें तो क्या होगा, बी इंटू डेप्थ कितना है एक्स, तो कितना हो जाएगा इंटू बी इंटू एक्स, कोई डाउट है, चलिए तो C इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी बी सी बाई टू इंटू बी इंटू एक्स, ठीक है, ये क्या निकला, कंप्रेसिव फोर्स निकल गया हमारा, क्लियर है, कंप्रेसिव फोर्स निकल गया। अब लीवर आर्म निकालने की बात करूं, लीवर आर्म निकालने की बात करूं तो यहीं पे हमारा देखिए, ये लीवर आर्म इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि टेंथ जो हमारा बार है, इफेक्टिव डेप्थ है टोटल, देखिए ये डी स्मॉल डी है जो इफेक्टिव डेप्थ बोल रहा हूँ, उसमें से अगर मैं ये टॉप वाला डिस्टेंस जो है सी जी से डिस्टेंस जो है किसके लिए ट्रायंगल वाले में उसको माइनस कर दूँ तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा लीवर आर्म, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी माइनस एक्स बाई थ्री, कैसे हुआ, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी वो कितनी थी, d था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है कितना है x बाई थ्री, और ये नीचे वाले पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, तो तीन अननोन चीज़ें, तीन अननोन में से दो चीज़ें नोन हैं, एक ही अननोन फाइंड आउट करना है, तो जो सबसे बड़ा है उसमें से माइनस कर दूंगा रिमेनिंग वाले को, यानी टोटल डिस्टेंस हमें पता था उसमें से ये वाला माइनस कर दूं तो रिमेनिंग वाला वैल्यू हमें पता चल जाएगा, यानी लीवर आर्म हमें पता चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा लीवर आर्म इक्वल टू डी माइनस एक्स बाई थ्री। तो एम आर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एम आर सी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड एम आर सी। तो एम आर सी इक्वल टू हो जाएगा क्या है हमारा, सी इंटू लीवर आर्म है, सी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला सी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या है सिग्मा सी बी सी बाई टू इंटू बी इंटू एक्स, क्लियर है, इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म का वैल्यू कितना है डी माइनस एक्स बाई थ्री, क्लियर बेटा d माइनस एक्स बाई थ्री, तो ये क्या हो गया एम आर सी, ये हमारा एम आर सी कैलकुलेट हो गया, क्लियर है, एम आर सी हमारा कैलकुलेट हो गया, कैसे कैसे आता वो चीज़ हम जान गए। और एम आर सी की यूनिट क्या होगी, तो एम आर सी की यूनिट वही होगी जो बेंडिंग मोमेंट की यूनिट होती है, बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होती है, या मोमेंट की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन, न्यूटन एम एम, है ना, तो यहाँ भी इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन एम एम बोल दूँ, न्यूटन एम एम बोल दूँ, या फिर बोल दूँ किलो न्यूटन मीटर बोल दूँ, हाँ न्यूटन एम एम में आएगा, तब आएगा जब स्ट्रेस की वैल्यू हमने न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में रखा हुआ है, किलो न्यूटन मीटर तब आएगा जब हमने स्ट्रेस की वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखा हुआ है, अदरवाइज न्यूटन एम एम से किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें करना पड़ेगा 10^-6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर, 10^-6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हम जानते हैं जो वैल्यू आएगा उसको 10^6 से डिवाइड कर दो, 10^6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ हमने कैलकुलेट करके बता दिया। टेंशन साइड से देख लेते हैं, अब देखिए कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर कंप्रेशन साइड से भी निकाल रहे हैं, टेंशन साइड से भी निकाल रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा कि अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ आरसी सेक्शन,
आरसी सेक्शन में, जैसे ओवर रेन फोर्स हो गया, अंडर रेन फोर्स हो गया, बैलेंस सेक्शन हो गया, तो उन सब चीज़ों में कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिससे इजीली कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के लिए तो दोनों में से कोई सा फार्मूला निकाल रखेंगे, हम कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन ईजिली कौन से फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ हम जब उसको बताएंगे, कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर करवाएंगे, तब वो चीज़ हो जाएगा क्लियर। अदरवाइज यूज करने का तो दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज करें, हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस करना क्या पड़ेगा, उस कंडीशन में स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब जब MRC MRT अलग अलग निकाल देंगे तो खैर छोड़ो, उसको हम तब देख लेंगे जब उसके विषय में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से। इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। अब देखिए MRT की बात करेंगे, MRT की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। तो टेंशन साइड से लेंगे तो टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म कर दूंगा, टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म करूंगा। तो टेंशन फोर्स निकालने के लिए क्या करूंगा, टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया करना पड़ेगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस यानी सिग्मा ST इनटू एरिया, एरिया किसका है, एरिया ऑफ स्टील, किसका, एरिया ऑफ स्टील। ये क्या निकल गया हमारा, टेंशन फोर्स निकल गया, क्लियर बेटा, क्या निकल गया, टेंशन फोर्स। सिग्मा ST क्या है, स्ट्रेस इन स्टील, ST क्या है, एरिया ऑफ स्टील। अब उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, और लीवर आर्म तो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे MRT इक्वल टू हो जाएगा बेटा सिग्मा ST इंटू AST, ये क्या हुआ, T हो गया, यानी टेंशन फोर्स, यानी ये वैल्यू, इंटू लीवर आर्म कितना है, D-X/3 इंटू हो जाएगा D-X/3, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। कहाँ से हो गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। इसका भी यूनिट क्या होगा, वही न्यूटन MM, या फिर इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहे तो किलो न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब बात आती है कि कब टेंशन जोन वाला, कब कंप्रेशन साइड वाला लगाएंगे और कब टेंशन साइड वाला लगाएंगे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है कि बैलेंस सेक्शन है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अब उसके विषय में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा उसके विषय में। और इसके साथ साथ ये बता दूंगा, खैर यूज करने के लिए तो MRT और MRC कोई सा भी फार्मूला यूज कर लूँ, हमारा वैल्यू तो सेम आएगा, लेकिन कंडीशन है कि जैसे हमारा ओवर रेनफोर्स हुआ, ओवर रेनफोर्स के केस में, ओवर रेनफोर्स देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अति प्रबलन, अति प्रबलित, अति प्रबलित मतलब कि उसमें स्टील की मात्रा प्रबलन, देखिए RCC पढ़ रहा हूँ, जब भी प्रबलन की बात करूँगा तो हमेशा स्टील बोलूँगा, क्यों बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टील ही यूज होता है, ज़्यादातर क्या 95-90% तक स्टील को यूज करते हैं रेनफोर्स के तौर पर, तो यहाँ पर स्टील का ही बात करेंगे। तो स्टील की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, स्टील की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ओवर रेनफोर्स का मतलब कि स्टील ज़्यादा है। जब स्टील ज़्यादा बैठा है तो ये बताओ स्टील कभी फेल होगा, स्टील ज़्यादा होगा जितना अमाउंट चाहिए था उससे ज़्यादा होगा तो फेल होगा नहीं, यानी बचा क्या हमारा, फेल किस में होगा, कंप्रेशन में, कंप्रेशन में फेल होने का मतलब कंक्रीट में फेल होगा, कंक्रीट फेल होने का मतलब कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे वो कंप्रेशन साइड से निकालेंगे, कंप्रेशन साइड से निकालेंगे यानी MRC वाला फार्मूला यूज कर देंगे, MRC वाला फार्मूला यूज कर देंगे, ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। जबकि अगर टेंशन साइड से निकालना पड़ेगा तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, जिस टाइम पे कंक्रीट हमारा फेल हुआ है उस टाइम पे हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा जो स्टील था उसका स्ट्रेस अभी तक कितना आया हुआ था, जब फेल नहीं हुआ है तो स्ट्रेस कितने स्ट्रेस तक पहुंचा हुआ था, वो चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद MRT का भी फार्मूला वहां पे लगाएंगे तो वैल्यू सेम आएगी, पॉइंट में डिफरेंट आता है बस, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट में डिफरेंट आएगा आपका, बाकी वैल्यू सेम आती है। और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि जब मेंस पढ़ेंगे ना, मेंस का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ से कैलकुलेट करने की पड़ सकती है, या फिर ये बोल सकता है कि वैल्यू सारी दे देगी, बोल देगा कि स्ट्रेस इन का स्टील निकाले, स्टील में कितना स्ट्रेस है, सेक्शन आपका ओवर एनफोर्स हो जा रहा है तो उस केस में आपको वो स्ट्रेस सिग्मा ST की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना होएगा। ऐसे बैलेंस सेक्शन की बात करें तो बैलेंस में चाहे MRT निकाल दे चाहे MRC यूज कर दे, दोनों इक्वल
इक्वल आएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू एक्स ही हो जाता है। और देखिए ओवर से ओवर रेनफोर्स की बात करें तो ओवर रेनफोर्स के केस में क्या होता है ना, ब्रिटल फेलियर होता है, वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। कि ब्रिटल फेलियर का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या करेगा, अचानक से टूटेगा, अचानक से टूटेगा, अचानक से टूटने वाली चीज़ें हमें बचने का टाइम नहीं देता है। अचानक से टूटेगा तो बचने का टाइम नहीं मिलेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है हमारा, हम उसमें दब सकते हैं, हमारी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल फेल होएगा, नीचे हम कोई चीज़ रखे हुए हैं वो टूट फूट सकती है। दैट्स वाई हम कोशिश करते हैं कि हमारा सेक्शन कैसा हो, बैलेंस सेक्शन हो डिज़ाइन करते समय, लेकिन ये कोशिश का हमेशा रहती है हमारी कि ओवर रेनफोर्स ना हो। अंडर रेनफोर्स हो जाएगा यानी अल्प प्रबलित है, अल्प प्रबलन का मतलब कि छड़ की मात्रा कम है, छड़ की मात्रा कम है मतलब स्टील तो फेल होएगा नहीं, फेल क्या होएगा, छड़ फेल, सॉरी कंक्रीट तो फेल होएगा नहीं, फेल होएगा तो हमारा छड़ फेल होएगा, छड़ का मतलब स्टील, स्टील फेल होएगा तो स्टील की प्रॉपर्टी हमने पहले दिन बताई थी कि स्टील फेल होने से पहले डिफॉर्मेशन शो कर, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी इन्फॉर्मेशन देता है कि हम फेल होने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देगा तो हम या तो उसका ट्रीटमेंट कर लें या फिर बच लें, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, यानी हमें पहले से पता चल जाएगा स्ट्रक्चर फेल होने वाला है, बचना चाहें बच लें या फिर ट्रीटमेंट करना चाहे ट्रीटमेंट कर लें। तो ये ओवर अंडर रेनफोर्स वाला सेक्शन जो होता है काफ़ी सेफ होता है, सेफ इसलिए क्योंकि वो अचानक से नहीं टूटता है, उसमें डक्टाइल फेलियर होता है, डक्टाइल फेलियर में क्या होता है धीरे धीरे फेल होएगा, वो चीज़ हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए ओवर करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें आप लोग, आपको इन्फॉर्मेशन जो भी है क्लासेस से रिलेटेड, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको मिलेंगी। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन क्लासेस में वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, GIC टेक्निकल में, GIC टेक्निकल चैनल आप सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बेटा।